कृष्ण हमारे घर में जगह बनाओ, जगह बनाओ। कोई लकड़ी के ऊपर होता है ना, इस्तेमाल करना पड़ता है, उनके बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, सब कुछ समझ आ रहा है। इंडिया में हर फेस्टिवल आते हैं ना, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, दीपावली, दुर्गा पूजा, दीपावली, दशहरा, हर त्योहार आते हैं। तो आप क्या करते हो, बाजार मार्केट जाते हो ना, बाजार मार्केट जाके कुछ खान पाना है, कॉफी के साथ लाते कर लाते हो, तो उनमें आपके पैसे क्या होते हैं, खर्च। आपको पैसे खर्च नहीं करना, जैसे आपके घर में कोई बेकार न्यूज पेपर या कोई भी बेकार पेपर को आप कैसे इस्तेमाल करना है उनके बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? Yes, सबको समझ आ रहा है? Yes, क्योंकि सुनेंगे आपने क्लास रूम में, ऑफिस रूम में, घर में कैसे सजावट करना पड़ता है उनके बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? Yes, तो देखिए इसमें हमारे पास होते हैं कुछ कलर पेपर। क्या होते हैं? क्या होते हैं? जैसे ये एक कलर पेपर है, ये कलर पेपर है ना, जैसे ये एक कलर पेपर है, ऐसे समझो ये एक बेकार पेपर है। बेकार पेपर है ना, आप कॉपी के कॉपी कॉपी किताब के पेज फाड़ते हो, उनको भी आप मरोड़ के क्या करते हो, फेंक देते। उनको फेंकना नहीं है, उनको कैसे इस्तेमाल करना पड़ता है उनके बारे में। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? यस सर। सबको समझ आ रहा है? यस सर। तो बताओ स्टूडेंट, जो पीला वाला कलर पेपर कौन सा है, कौन सा कलर पेपर है? पर्पल। तो आप पहले वाले पेपर को आप 5 बार फोल्ड करोगे। कितनी बार करोगे? 5 बार। तो समझ आ रहा है? 5 बार फोल्ड करोगे। एक एक और ये दो, दो और ये तीन, चार और ये पांच। 5 बार फोल्ड करने के बाद दोनों उंगली से क्या करोगे, प्रेस। क्या करोगे? प्रेस। सबके घर में छोटा बड़ा कैंची होता है? यस। सबके घर में होता है ना? यस सर। कैंची से साइड वाले हिस्से को क्या करोगे, काट देंगे। क्या करोगे? काट देंगे। ठीक है, तो आपके सामने एक पहला बोर्ड बनेगा, एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया। क्या बनेगी? नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया। गुड़िया, तो पहले गुड़िया की आप कौन सा डिजाइन बनाओगे, सिर वाला। कौन सा डिजाइन? सिर वाला। सिर वाला, पहले गुड़िया की आप सिर वाला डिजाइन बना दो। ठीक है, उसके बाद गुड़िया के कौन सा डिजाइन, हाथ वाला। हाथ वाला गुड़िया जी के आप हाथ वाले डिजाइन बनाओ। ठीक है, उसके बाद गुड़िया के आप यूनिफॉर्म ड्रेस, स्कूल ड्रेस। कौन सा ड्रेस? स्कूल ड्रेस। उसके बाद गुड़िया जी के चलने फिरने वाले, चलने फिरने वाले क्या बनाओगे, पैर। चलने फिरने वाले पैर। सबको समझ आ रहा है? चलने फिरने वाले पैर बनाने के बाद, ठीक है स्टूडेंट, तो आपके सामने सबके समझ आ रहा है? यस सर। तो आपके सामने एक पहली गुड़िया तैयार हो चुकी है। पहली गुड़िया आपके सामने, नमस्ते। पहली गुड़िया खोलोगे तो पहली गुड़िया आपके सामने कंप्लीट हुई दिखाई देगी। तो देखिए स्टूडेंट, इन पहली गुड़िया का नाम है, हमारे सेंटर वालों नाम रखा है अंजू। क्या नाम है? अंजू। अंजू और उनकी सिस्टर मंजू। अंजू और उनकी सिस्टर मंजू। मंजू के दो भाई है, संजू और गंजू। संजू गंजू की फैमिली है चप्पड़ गंजू। चप्पड़ गंजू की फैमिली है ये टोटल लल्लू पंजू। तो आपके सामने तैयार दिखाई देगी। अपने क्लास रूम में, ऑफिस रूम में, घर में आप सजावट कर सकते हो। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? यस सर। मैंने पेपर लगाया है 9। कितने पेपर लगाए हैं? 9। आप इसमें और भी पेपर लगाना चाहते हो तो बताओ, कौन सा पेपर है? पर्पल वाले पेपर को
आप बाहर की साइड लगाना चाहते हो तो अंदर की साइड से लगाओगे। कौन साइड लगाओगे? अंदर की साइड। कौन सी साइड लगाओगे? अंदर की साइड। तो बताओ इसमें से कितने पेपर होंगे? कितने पेपर होंगे? दस। पेपर को आप क्या करोगे? रोल। रोल करना आता है सबको? यस सर। रोल करना आता है ना सबको? यस सर। रोल करने के बाद कैंची से यहाँ पे एक आधे से ज्यादा कट लगाएंगे। आधे से ज्यादा पूरा करने लगाना है। यहाँ पे एक आधे ज्यादा कट लगाएंगे, ठीक है? कितने कट लगाए? आधे से ज्यादा। एक कट लगाने के बाद इससे कितने बन जाएंगे? दो। कितने से बन जाएंगे? दो। एक और ये दो। दोनों हिस्से को आप क्या करोगे? ऐसे मोड़ देंगे। क्या करोगे? सबको वॉल दिखाई दे रहा है? इन्हीं वॉल पे आप कैंची रख के छोटे छोटे कट लगाओ। छोटे छोटे कट लगाएंगे। एक एक और ये दो और ये चार पांच और ये छह सेंटी सेंकट यहाँ पे लगाएंगे। एक दो तीन चार कट लगाने के बाद सभी पेपर को क्या करोगे? ऐसे फोल्ड कर देंगे। क्या करोगे? फोल्ड कर मोड़ देंगे। क्या करोगे? ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपके ये बनने के बाद आपने हमारी बात, जैसे आज आपका त्योहार है, फिर कल आपका बर्थडे, एक महीने के बाद कोई फेस्टिवल है, आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। जब आपको कोई फेस्टिवल आता है तो एक ही पत्ता पकड़ के नीचे बैठ जाओ। कितने पेपर लगाए? दस। आप इसमें 20 पेपर लगाओगे, इसकी लंबाई घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो जैसे स्टूडेंट्स ये मेरा पहला मॉडल है, उसके बाद आपके सामने क्या बन जाएगी? माला। जैसे स्टूडेंट हमारे घर में कोई फोटो पिक्चर है या कोई प्रधानमंत्री आ जाता है, लालू जी पालू जी, उनको मैंने पेपर लगाए हैं दो। कितने पेपर लगाए हैं? दो। कितने पेपर लगाए हैं? दो। पेपर को आप क्या करोगे? रोल करेंगे। क्या करोगे? यहाँ पे एक आधे से ज्यादा कट लगाएंगे। आधे से ज्यादा, क्योंकि ट्रेन में रोल करने का तरीका एक ही और काटने का तरीका अलग अलग है। काटने का तरीका यहाँ पे एक आधे से ज्यादा कट लगाएंगे। आधे से ज्यादा पूरा कट लगाना, यहाँ पे एक आधे से ज्यादा कट लगाएंगे, ठीक है? एक कट इससे कितने बन गए? एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा। बड़े वाले हिस्से को आप क्या करोगे? एक चाकू चम्मच पान पत्ती की तरह डिजाइन लगाओगे। चाकू चम्मच पान पत्ती की तरह डिजाइन लगाएंगे। बेकार वाले हिस्से को क्या करोगे? क्या करोगे? चाकू चम्मच पान पत्ती की तरह सभी जगह को क्या करोगे? खोल देंगे। क्या करोगे? खड़ा के बैठ जाओ। फिर एक पेपर को नीचे बिठाएंगे, पिंक वाले पेपर को इस साइड लोगे, ग्रीन वाले पेपर इस साइड लोगे। ग्रीन के बीच में पिंक आ जाता है और पिंक के बीच में ग्रीन आ जाता है, इनको ऐसा हटा देंगे।
और दोनों कॉर्नर साइड में दो छोटे छोटे कट लगाएंगे, एक और ये दो कट लगाने के बाद किसी के पास पेंसिल है? किसी के पास पेंसिल है? तो अगर आपके पास पेन पेंसिल होता है, पेन पेंसिल से एक बार पॉइंट करना है और दोनों उंगली से क्या करोगे? दबा देंगे। क्या करोगे? दबा देंगे। क्या करोगे? दबा देंगे। दबाने के बाद इनमें मैंने कितने पेपर लगाए? दो। इनके हिस्से बनेंगे तीन। कितने हिस्से बनेंगे? तीन मॉडल बनेंगे। सारे पेपर का आप इसे नीचे बिठाओगे और एक ही पेपर का हल्का होता है उसे धीरे धीरे से उठाएंगे। तो आपके पास लगा अच्छा लगे रखना है, नहीं अच्छा लगे तोड़ेंगे फेंकेंगे नहीं। उसके बाद फिर दूसरा मॉडल है, सभी पेपर का आप इसे नीचे बिठाओगे और एक ही पेपर के हल्का उसे गोल गोल घुमाएंगे। क्या करोगे? अच्छा लगा? अच्छा लगे रखना है, नहीं अच्छा लगे तोड़ेंगे फेंकेंगे नहीं। उसके बाद फिर कुछ पेपर हमारे हाथों से नाखून से खराब हो जाते हैं, इनको करोगे काट देंगे। क्या करोगे? काटने के बाद उसके बाद स्टूडेंट तीसरा मॉडल है, एक उंगली से सभी पेपर को धीरे धीरे से नीचे बिठाएंगे। तो आपको फिलहाल मैं अभी दिल्ली से आया हूँ और मेरे पास कोई बड़ा गिफ्ट है नहीं, ये छोटे मोटे कलाकार की तरफ से सारे टीचर को और मैडम को एक छोटा सा तोहफा देना चाहते हैं। सब स्टूडेंट भी क्लैपिंग करेंगे। देखिए स्टूडेंट मेरा आज आपको अच्छा लगा? यस। क्योंकि स्टूडेंट मेरे पास एक दो मॉडल नहीं होते, मेरे पास मॉडल कितना होते? 25। कितने मॉडल होते? 25। कितने मॉडल होते? 25। मैं आपके सामने 25 मॉडल नहीं बता सकता। आप पहला दिन सीखोगे उसे याद करोगे, उसे भूल के आप दूसरा दिन याद करोगे, ऐसे करके आपस में बात करके भूल जाएंगे और घर जाके भूल जाएंगे। आपके लिए ये एक सीखने के लिए किताब बनाई है, सीखने के लिए इस किताब में कितने मॉडल होते? 25। कितने मॉडल होते? 25। जैसे आप पहला मॉडल बोलोगे तो कैंडल स्टैंड है, उसके बाद अंजू मंजू चप्पड़ गंजू है, उसके बाद क्रिसमस ट्री है, रंगोली है, गार्लैंड है, पीजन है, ताजमहल है, काफी सारे डिजाइन स्टूडेंट्स किताब में। और इस किताब में लैंग्वेज है चार। कितने लैंग्वेज है? चार लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश पंजाबी उर्दू, ठीक है। और इस किताब में आपको सब पढ़े लिखे फिर भी आपको बताना पड़ता है, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले पढ़ के बना, जिन स्टूडेंट को समझ नहीं आता है वो इनमें देख देख के बना सकते हैं। इनमें हमारा हाथों का निशान, कैंची का निशान, कैसे काटना है, कैसे मोड़ना है, सब है ना। तो देखिए स्टूडेंट एक किताब है, उसके बाद दूसरी किताब है, इसे कहते मैजिक बुक। क्या कहते हैं? इन दोनों का नाम क्या है? मोटू पतलू। इसे कहते हैं कार्बन। कार्बन टच करोगे तो मोटू पतलू आपके सामने डांस करेंगे। डांस कर रहा है? सबको दिखाई दे रहा है ना? देखिए स्टूडेंट इस किताब में कितने मॉडल होते हैं? 16। कितने मॉडल होते हैं? 16। मोटू पतलू, गुड़िया, स्पाइडरमैन, छोटा भीम। जो छोटा भीम है आपके सामने भिशुम भिशुम करेगा। तीसरा मॉडल है, इसे क्या कहते हैं? तो डोरेमोन है आपके सामने। तो ठीक है स्टूडेंट इस किताब में कितने मॉडल होते हैं? 16। कितने मॉडल होते हैं? 16। और इस किताब में 25। मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मैं आपके दीवाने में ठहरा हुआ हूँ।
मेरी इसी किताब से मेरे फैमिली का गुजारा होता है। अगर जो स्टूडेंट लेना चाहते हो ये दोनों बुक मिलेगी आपको 20 रुपए की। कितने की मिलेगी? 20 रुपए की। और इसके साथ आपको कलर फ्री मिलेगी। अगर जो स्टूडेंट लेना चाहते हो मेरे पास